दोस्तों द्वारका में एक ऐसी नदी है जिसमें सुबह सुबह पानी नहीं रहता है और जैसे ही दोपहर से शाम होने लगती है इस नदी में पानी आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इस वीडियो में आपको द्वारका की गोमती नदी के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि अगर आप द्वारका आते हैं तो आपको इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा और दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर क्या क्या वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ नदी के पास। दोस्तों सुदामा सेतु के आसपास यहाँ पर ऐसी लोकेशन है, तो मार्केट टाइप का व्यू है और इस तरह बोटिंग वगैरह है, इधर भी लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों आप जो मेरे पीछे नदी देख रहे हैं ये गोमती नदी है, ये डायरेक्ट ना समुद्र से मिली हुई है यहाँ से, और जब भी सुबह होती है तो इसका पानी नीचे चला जाता है, लोग यहाँ से पार करके उस तरफ पैदल भी चले जाते हैं, और जैसे ही शाम होने लगती है 12 बजे के बाद पानी बढ़ने लगता है और फिर यहाँ पर इतना इतना पानी हो जाता है कि फिर यहाँ से बोट वगैरह से ही जा सकते हैं उस तरफ। और वहाँ आप कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं आपको, शायद वहाँ पर उस तरफ है बड़ा आप कह सकते हैं समुद्र लगा हुआ है डायरेक्टली। गाइस कुछ इस प्रकार से दिखता है सुदामा सेतु, लोकेशन देखो आपको, लोकेशन बताओ कैसी लग रही है। ये द्वारकाधीश मंदिर और चर्च उसके पीछे सुदामा सेतु, और ये प्यारा सा लेक टाइप का व्यू है, समुद्र का ही पानी है, गजब की लोकेशन है भाई साहब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम भेट द्वारिका गए थे, तो इस प्रकार का जैसे कि कोना था बोल सकते किनार या फिर आप आइलैंड टाइप में कह सकते हैं इंडिया का लास्ट बॉर्डर, वहाँ से 200 किलोमीटर के बाद तो पाकिस्तान की बॉर्डर लग जाती है, तो इस प्रकार का व्यू यहाँ पर भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। सेतु के पास में आप ये वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बोटिंग वगैरह है। प्राचीन काल में यह श्री कृष्ण जी की कर्म भूमि थी। मथुरा से आकर श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी जो कि पहले सोने की हुआ करती थी, जो अब समुद्र में समाहित हो गई है। इसी फैक्ट के साथ एक और यूनिक फैक्ट है गोमती नदी का भी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे रात हो रही है जल का स्तर बढ़ते जा रहा है और यह 12 बजे तक बढ़ता रहेगा। 12 बजने के बाद यह स्तर कम होने लगेगा और सुबह तक नदी खाली हो जाएगी। यह गोमती नदी की सबसे बड़ी खास बात है जो इसे सबसे आकर्षक केंद्र बनाती है। यह गोमती नदी का अरब सागर से मिलन बहुत ही अद्भुत दृश्य बनाता है और बहुत ही मनमोहक दृश्य बनाता है। रेत है पूरा यहाँ पर, पूरे में रेत है। अबे इतना कुछ खाने को लेके आओ, इनकी वीडियो बनाने मजा आएंगे। हाँ देखो कितनी सारी हो गई यहाँ। देखो कलरफुल मच्छी, ब्लू कलर की, ये देख 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 देख।